और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल यार। अब अगर तुमको जानना है कि वहां पर मैं उस बंदे को मार पाया या फिर नहीं, तो भैया देखो तुमको इंतजार तो बिल्कुल नहीं करने पड़ेगा क्योंकि क्लच बस आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले तुमको पता है यार कि हमको यहाँ सफाई करनी पड़ती है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान को हमने थोड़ा सीरियसली ले लिया है। तो अपन ने उतरते एक बंदे को ठोक दिया था, लेकिन भाई उसको फिनिश करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी बिल्डिंग में इतने बंदे घुसे पड़े हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो पहले उनको ठोकूंगा, बाद में देखूंगा क्या करना है। बट पहले मैं थोड़ा सा लूट को प्रायोरिटी दे रहा था बिकॉज मेरे पास लूट बहुत ही ज्यादा था। बस लूट हुई तो मैं क्या हमला करने, अब यहां पर मैंने दो लोगों को नॉक फिनिश कर दिया था, बट जिसको मैंने पहले नॉक करा था वो बच गया या फिनिश हो गया किसी और के हाथों, तो मुझे पता नहीं। मेरे ऊपर स्नाइपर चली और मेरी बिल्डिंग में बंदे, अब यार मैंने इसको भी नॉक कर दिया बट इसको भी फिनिश नहीं करा क्योंकि भैया बंदों की कमी थोड़ी ना इधर। अब इसको भरा, फिनिश करने की फुल कोशिश कर भी दिया। उसके बाद मेरे को याद आया, अबे नॉक फिनिश कर लेता हूं, बट मेरा नॉक कहां चला गया। वेल जो भी हो, मुझे पता था वहां पर एक बंदा भी है, तो मैंने एक नेट डाला। नेट से भले ही कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर मैंने फुटबॉल मारी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझ गया मुझे कुछ ही करना पड़ेगा उधर, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था। इधर AWM भी थी डब्बे में, बट यार क्लोज रेंज में अभी फाइट्स हो रही है, AWM कोई काम नहीं आएगी। लेकिन जिसको मैंने नॉक करा था वो शायद रिवाइव हो गया। अब ये वो था या नहीं मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने नाम नहीं पढ़ा था, बट जरा इनको देखो भाई। तुम खुद सोच के देखो, 40 बंदे यहाँ कुत्तों की तरह लड़ रहे और ये भाई रोलर कोस्टर खेल रहे। वेल जो भी, उधर मैंने जितने नॉक करे थे सबको खा गया। उसके बाद यहाँ पर और बंदे आ गए, तो मैंने निकाल लिया ग्रेनेड। अब मेरे इस ग्रेनेड से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे को पता था कि भैया ग्रेनेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बाइजन जाती है तो यहाँ पर इसको भी मैंने लपटा दिया भाई। लेकिन यार यहाँ पर बंदे खत्म ही नहीं हो रहे, सामने दिख रहा है तुमको एक बंदा भाई। अब देखो यहाँ पर मैंने नेट निकाला, उसने भी नेट निकाला, अब बस देखना है था कि फूटेगा कौन। ओ भाई मैंने उसको भले ही नॉक कर दिया, बट अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता तो ये फोड़ देता मेरे को। नॉक फिनिश कर दिया था, बट इसके चक्कर में जो बच गया था अब उसकी बारी थी और भाई वो खुद मेरे पास आ गया। अब इसकी तो मैंने फ्लाइट की टिकट काट दी, लेकिन भाई मेरे को अभी भी चैन नहीं मिल रहा था क्योंकि कान में फुटस्टेप्स अभी भी आ रहे थे। तो यहां पर मैंने फटाफट से लूटिंग करी मेरे को, क्योंकि भैया लूट चाहिए थी, खत्म हो गई थी मेरे पास। और फिर आए बंदे। अब देखो मेरे को मल्टीपल साउंड आया, मेरे को पता था एक छत पे है, इनफैक्ट दो छत पे, एक नीचे जिसको मैंने नॉक कर दिया, अब छत से दो आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि खिड़की से आएंगे। भाई यार इसने मेरी टिकट काट दी, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था ना, मेरे को लगा ही नहीं था वो खिड़की से आएगा भाई। वेल जो भी हो, उसके बाद अपन मिलिट्री उतरे और देखो चालू बॉट वाली, और भाई इसको देखो जरा। मल्टीपल फुटस्टेप आए, मैं समझ गया इसकी स्क्वाड भड़क गई है और मेरे को जिंदा रहने नहीं देगी। अब भाई मेरे को पता था मॉलिस से डैमेज होगा, लेकिन तभी आई फुटबॉल और मैं खींच लिया गया अंदर, लकली कवर में खींचा गया था मैं, तो भाई को मैंने नॉक कर दिया। भाई इसीलिए कहता हूं अकलबंदी के साथ यूज करो चीजों को। इसको भी भर दिया, अब फिनिश करना थे ने, ये बॉट से मरने जा रहा था तो मैंने इसको पहले फिनिश करा, उसको भी नॉक करा, फिर इसको भी फिनिश कर दिया।
बॉट अपने आप फिनिश हो गया। देखो भैया, अगर तुम लोग वो फुटबॉल यूज करना चाहते हो ना ग्रेविटी वाली, तो भैया उसको कवर से अलग यूज करा करो, ताकि बंदे कवर से बाहर निकले, ना कि मेरी तरह कवर में चले जाए और आपकी फिर बैंड बज जाते। बस जो भी, उसके बाद मैंने गाड़ी उठाई और मेरे को और बंदे ढूंढने थे, और जिस हिसाब से गेम प्ले जा रहा था भाई, तबाही मची हुई थी, बंदों की तो कभी पड़ने वाली थी नहीं। वैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि तुम मेरी रोज वीडियो में देखते हो, मैं इवेंट्स वाली बिल्डिंग पे उतरता हूँ, ढेर सारे बंदों की वाट लगाता हूँ, फिर इवेंचुअली मैं भी मार दिया जाता, तो तुम लोग का प्ले स्टाइल वहां पर क्या रहता है? क्या तुम लोग भी मेरी तरह खूब एग्रेसिव उधर खेलते हो ताकि ज्यादा ज्यादा किल मिल जाए, या फिर तुम लोग थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलते हो, मतलब एक बढ़िया से लूट करी, उसके बाद एक पोजीशन को होल्ड करा और जो भी उस पोजीशन को लेने आ रहा है उसकी बैंड बजा रहे हो? मेरे कमेंट्स में जरूर बताना है एग्रेसिव या डिफेंसिव। वेल, यहाँ पर फायरिंग हुई थी तो मैंने गाड़ी रोक दी, उसके बाद भाई इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता, एक गाड़ी मेरे पे ही आ गई। अब इनको कुछ ज्यादा ही गुंडाई आ रही थी तो मैंने इनके दो पंटर उतार दिए, एक को फिनिश भी कर दिया, बट दूसरा यार पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा है मेरे को, तो मैं उसको मारने के लिए थोड़ा सा आगे गया और तभी पीछे से बग्घी आ गई। अब बग्घी रुकी तो मेरे दिमाग में जानते हो क्या बात आई, हो सकता है कि यूएस में तीन बंदे हो, चौथा बंदा बग्घी से आ रहा हो, तो ये अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए उतरा है। तो यहां पर मैंने सोचा ये सही है, उसने अपने नॉक टीममेट की लोकेशन बता दी मेरे को, फिर नेट फटा और वो टिकट कट गया। लेकिन भाई मरा सिर्फ एक ही बंदा, नॉक वाला बंदा तो पता नहीं कहां गायब हो गया, पता नहीं शायद वो क्रॉल करता हुआ आगे चला गया और यूएस वाला किसी तरीके से उसको रिवाइव देके निकाल ले गया। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे को वो किल मिले ही नहीं यार, सो सैड। वेल, अपन भी क्या ही कर सकते थे, अपन जो कर सकते थे वो ये था कि हमने यूएस उठाई, थोड़ा ढूंढा लूटा, फुल कोशिश करी, बट वो मिला ही नहीं, तो अपनी किस्मत में उसकी किल थी नहीं, तो अपन ने क्या करा, अपन आगे पहुंचिंग की, क्योंकि हमारे पास थी भैया फ्लेयर गन। अभी तक मैं बहुत खुश था कि भैया फ्लेयर गन जलाऊंगा, मस्त AWM या AMR मिल जाएगी, स्नाइपिंग करेंगे, तहलका मचा देंगे, क्योंकि पहली वाली AWM तो मैं उठा पाया नहीं था। तो अपन यहाँ पर फुल वेट कर रहे थे, फ्लेयर आ भी गई बट भाई रील हो गई हमारे साथ, देखो ये है फुटबॉल और ये उछलती है। तभी फायरिंग हुई और भाई लुढ़क के फुटबॉल आगे चली गई, मैं भाई एक बार निकाल ही नहीं पाया उसमें से, अब मेरे को बहुत खल रहा था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई कि सामने जो बंदा है वो मेरे को तड़के बैठा हुआ है। भाई अगर उसने स्प्रे करने में मतलब थोड़ी सी भी देर करी होती ना, तो मैं 100% AMR तो उठा ही लेता, एमो नहीं ले पाता बट गन तो उठा लेता, और उसमें जितनी गोलियां रहती मेरे लिए सफिशियंट रहती इनको ठोकने के लिए। भाई मेरे को सच बताऊं तो एक ही बुलेट की जरूरत थी, लेकिन अपने पास अभी भी M4 है 3X के साथ। भाई वाट लगा दी इस बंदे की, 1 HP है ये, 1 HP, किस्मत कितनी अच्छी बच गया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अब भाई चर्च पे भी बंदे आ गए। आय हाय भाई, सबको कितना डैमेज दे रहा हूँ। अब यार चर्च की छत पे मेरे को मल्टीपल बंदे दिखे थे और उनके पास स्नाइपर भी थी, तो यहाँ पर मैं दोबारा पीक ले नहीं सकता था और ये बंदे बुली कर रहे थे। भाई मतलब फायरिंग करे ही जा रहे थे और मैं जाके AMR उठा नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने उसको पिन डाउन कर रखा था। तो मैं यहाँ किसी तरीके से बालकनी में आ गया क्योंकि इन्होंने गाड़ी उठाई, रश करने आए मेरे ऊपर, और रश करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी भाई सच बता रहा हूँ बुक करूंगा इनको मैं कायदे से। एक तो गया भाई, गरी आ रहा होगा ये अपनी किस्मत को, मतलब तीन घुसे थे मेरे ग्रेनेड के ऊपर, फटा सिर्फ एक। अब यहां पर मैंने एक ऑर्नेट डाला बट ये होशियार थे, ये पीछे चले गए, इसको मैं देख नहीं पाया था गेम प्ले में, मैं इग्नोर कर गया था। लेकिन अपन ये गलती बार बार नहीं करते हैं भाई, पूरी स्क्वाड का जो टिकट काटा है ना मैंने इधर, पूछो मत। वेल, ये सब तो अपने घर जा चुके थे और मैंने लगा ली हील, लेकिन ये सब चक्कर में ना भाई वो बंदा बच गया जिसने उंगली करके सब शुरू करा था। भाई वही बंदा यार जिसने मेरे फ्लेयर पे गोलियां चलाई थी, वो तो बच के निकल गया, लेकिन कहां तक भागेगा, सामने दिख रहा है लुढ़कता हुआ तुमको। अरे यार ज्यादातर तो गोलियां वो बॉल फोड़ने में निकल गई। अब ये बंदा तो बच गया, लेकिन भैया ये भाई साहब बड़ी तेज तेज दौड़ते हुए कवर की तरफ गए, मुझे पता था ये किधर जाएगा, ये हाइट लेने की कोशिश करेगा ही करेगा, तो मैं गाड़ी लेके उधर ही चला गया। और भाई चुम्मा भाई क्या तुक्के होते हैं मेरे। अब ये देखो मुझे वो नहीं दिखा तो मैंने गाड़ी मोड़ दी, फिर मेरे को आया फुटस्टेप, दिख गया बंदा, मैंने कहा अब इसको कौन छोड़ेगा यार, इसको तो खा जाऊंगा मैं पूरा। जब ग्रोजा हो सा डरने की बात, वैसे उसके पास भी ग्रोजा थी बट आई एम बेटर, तो मैंने उसको ठोक दिया, हील लगाई, फिर और बंदों को ढूंढने निकला।
अब जानते हो मुझे इतना तो पता था कि पोटैटो हिल पे बंदे हैं, बिकॉज मैंने पूरा पोटैटो हिल चेक नहीं करा था, और जब मैं लड़ रहा था पिछले वाले बंदे से तब फायरिंग भी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जोन के अंदर आ जाऊँ, बिकॉज तुम देख सकते हो कि जोन के एकदम एज पे ये घर है, तो मैं चाहता था कि यहाँ से मैं थोड़ा एंगल बना लूँ पोटैटो हिल की तरफ। और भाई बहुत ही खराब स्ट्रैटेजी थी ये, लेकिन काम कर गई, मेरे को बंदा दिख गया। अब देखो इसके ऊपर कोई फायर कर रहा है, तो ये बचने के लिए इस तरफ आया और इधर मैंने बजा दिया। भाई पोटैटो हिल पे अभी बंदे हैं ये मेरे को पता है। वैसे ये जो स्ट्रेटजी मैंने यूज करी थी ना, रैंक में कभी यूज मत करना, माइनस हो जाएगा। मुझे किल की भूख है इसलिए मैं उल्टी सीधी हरकतें करता रहता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक बंदे ने मेरे ऊपर पुश करा मौका देख के, और हमने पुश करा उसके ऊपर मौका देख के। अब इसका टीममेट पीछे तड़प रहा था और उसकी आंखों के सामने उसका टीममेट लॉबी पहुंच चुका था, तो यहाँ पर मैंने फटाफट लूट करी। बट यार ये बंदा क्या बताऊँ निकल ही नहीं रहा पेड़ के पीछे से। अब पीक दे भी रहा है तो इतनी महीन की कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो भाई मैं कुछ इधर कर नहीं सकता था। यहाँ पर एक और ड्रॉप आ रहा था, तो अपन चुपचाप इधर बैठे हुए थे और इसने मेरी फोड़ दी गाड़ी। अब देखो इस पॉइंट पे मेरे को गुस्सा तो आ रही थी, बिकॉज अभी मेरे पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी व्हीकल नहीं था, और ये जो हुआ ये भी इसकी बदौलत हुआ। तो यहाँ पर अपन ने कसम खा ली कि भाई देखो अगर हम जोन में नहीं गए ना तुम्हारी वजह से तो तुमको भी जाने नहीं देंगे। तो मैं तड़के बैठ गया इसको, मैं कहा साले निकलेगा तो तू जरूर, और जिस दिन निकलेगा जिस टाइम निकलेगा उसी टाइम तेरी पेटी बनाऊंगा। भाई पावर्स यूज कर रहे हैं, मतलब तेरी फ्लैश बनना था। तो इनको मैंने भरा, इनके टीममेट ने किसी और को भर दिया, और इनके टीममेट को मैंने भर दिया। कहते ही इजी चिकन डिनर।